हाय गाइस, वेलकम टू टेलीस्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स कंपनी के टारगेट प्राइस के बारे में। आखिर क्या हमारा टारगेट प्राइस रहने वाला है, क्योंकि जो कंपनी के शेयर प्राइस है अपने ब्रेकआउट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से तकरीबन 10% अपसाइड पॉसिबल है रोलेक्स रिंग्स के अंदर। जानेंगे टारगेट प्राइस, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। टारगेट प्राइस जानने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी फंडामेंटली कैसी है, कितनी ज़्यादा मजबूत है। कंपनी का मार्केट कैप है 6,915 करोड़ का। करंट प्राइस जिस पर कंपनी कारोबार कर रही है 2,547 रुपये पे। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक लो रहा है 1720 और 52 वीक हाई रहा है 2,679। स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी देखें तो तकरीबन जो कंपनी के शेयर प्राइस अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। बुक वैल्यू 330 है और करंट प्राइस है 2,547। अगर देखा जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस अपनी बुक वैल्यू से 5 या 6 टाइम ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है। आरओई कंपनी का बेहतरीन है, आरओसीई कंपनी का बेहतरीन है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, यानी आने वाले टाइम में चांसेस हैं जो इस कंपनी के शेयर प्राइस है वो स्प्लिट हो जाए। अगर पिछले 3 साल की सेल्स देखें तो कंपनी ने 25% के हिसाब से जो कंपनी की सेल्स ग्रो हुई हैं। अगर पिछले 5 साल को देखें तो 6% के हिसाब से कंपनी की सेल्स ग्रो हुई हैं। EPS देखें तो 57 रुपये, डेप्ट 18 करोड़। कंपनी डेप्ट कंपनी पर ना के बराबर है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी पर कोई दबाव नहीं है। PEG रेशियो के हिसाब से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 55% है और ग्राम नंबर के हिसाब से भी जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। अब देखते हैं कंपनी के क्वार्टर्स। कंपनी के क्वार्टर्स कहीं ना कहीं सही रही है। कंपनी 2023 और 2024 देखें, 2023 में 299 करोड़ की सेल्स थी, वहीं अब 2024 में देखोगे 316 करोड़ की सेल्स। वहीं अपना नेट प्रॉफिट देखोगे 53 से इस बार 24 रहा है क्वार्टर में। वो इस वजह से क्योंकि इस बार जो कंपनी की अदर इनकम है, जो अदर सोर्सेज इनकम के, वहाँ से कंपनी की इस बार इनकम नहीं हुई है। भाई अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही हैं। 2021 में देखो कि 416 करोड़ की सेल, वहीं 2022 में बूम हुई थी 1010, 2023 में 1179, वहीं 2024 में 1222। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% से 21% हुआ इस बार। भाई आप नेट प्रॉफिट देखोगे 198 से 156 हुआ है, वो उस वजह से जो कि जो कंपनी अदर सोर्स थे कंपनी के, वहाँ से इस बार कंपनी को इनकम नहीं हुई है। बैलेंस शीट देखो तो कंपनी लगातार अपने रिजर्व्स को बढ़ा रही है। वहीं अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो प्रमोटर्स की तकरीबन 55% हिस्सेदारी है, FIIs की 8% के करीब हिस्सेदारी है, DIIs की 30% के करीब हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास तकरीबन 7% की हिस्सेदारी है रोलेक्स रिंग्स के अंदर। अब हम लोगों को जो रोलेक्स रिंग्स को आने वाले कुछ दिनों के लिए अपने रडार पर रखना है। अगर ब्रेकआउट होता है तो 10% यहाँ से अपसाइड पॉसिबल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।